नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं आपको ग्रीन जूस बनाने की अर्बली रेसिपी बता रही हूँ। आप इसको ध्यान से सुनिए और आप अपने घर पे बना के पीजिए। ग्रीन जूस जो होता है, पत्तियों में क्लोरोफिल की मात्रा होती है जो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है, आपकी पूरी बॉडी को एल्कलाइन करने का काम करती है, आपको बीमारियों से मुक्त करती है। आप सुबह सुबह जब 4 या 5 घंटे का जब फास्टिंग रखते हैं, उसके बाद आप ग्रीन जूस को बनाइए। और इसमें कौन कौन सी पत्तियों का इस्तेमाल होता है आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप चाहे तो कॉपी पेन लेके उनको नोट भी कर सकते हैं। तो आप जैसे 4 ग्लास जूस बनाना है तो मैं आपको उस हिसाब से आपको बताने जा रही हूँ। जैसे तुलसी पत्र, दुर्वा, बेलपत्र, जैसे ठंड का मौसम है तो आपको गाजर के पत्ते भी आप ले सकते हो, धनिया, पालक, पुदीना, और ठंड के मौसम हो तो आप मूली के पत्तों का भी उसमें इस्तेमाल कर सकते हो, आप मेथी के पत्तों का भी उसमें इस्तेमाल कर सकते हो, सहजन की पत्ती आदि, जितने भी प्रकार की पत्तियां उपलब्ध हों उसमें से आपको 200 ग्राम की पत्तियां स्वादानुसार आप अच्छी तरह से पानी में धो के मिक्सी में उनको चला लीजिए। फिर उसको कपड़े या फिर जूस छानने का जो कपड़ा आता है उसे छान करके आप जूस को अलग कर लीजिए। फिर पानी मिलाकर आप उसकी 4 ग्लास जूस बना लीजिए। अब इसमें आप स्वादानुसार नींबू रस, काली मिर्च, नमक, सेंधा नमक, काला नमक, और आप उसमें अदरक भी मिला सकते हो, और शहद मिलाकर भी, अगर आप मीठा पीना चाहते हो तो आप उसमें शहद मिला सकते हो, और यदि मीठा नहीं पीना है तो आप शहद को स्किप भी कर सकते हो। काली मिर्च मिला लीजिए, काली मिर्च से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ऋतु के अनुसार जैसे आप आंवला है, अदरक है, सेब मिला सकते हो, उसमें आप खीरा मिला सकते हो, इसके अलग अलग स्वाद को आपको बदला जा सकता है। तो डायबिटीज़ का जो पेशेंट होता है उनको शहद की मात्रा थोड़ी कम रखें, और उसमें आप सीताफल की 8 या 10 पत्तियों का आप उसमें मिला सकते हैं, और जो एनीमिक पेशेंट है उनको पालक, और जो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट है तो उनको कड़ी पत्ता, या किसी को इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा हो तो उनमें बेलपत्र, और दूर्वा जो हरी घास होती है वो उसमें आप ज़्यादा मात्रा इस्तेमाल करें, और अगर किसी को लीवर की प्रॉब्लम है या किडनी की प्रॉब्लम है तो उनमें आप मूली पत्ते, और जिनको बॉडी में पेन हो रहा है तो आप तुलसी पत्ते थोड़े ज़्यादा डाल दिए तो आपको ये बहुत ज़्यादा विशेषकर लाभदायक होगा। अब मैं आपको स्वादिष्ट चटनी बता रही हूँ 6 व्यक्तियों के लिए। धनिया पत्ता आपको लेना है 30 ग्राम, पुदीना 25 ग्राम, और पालक आपको लेना है 100 ग्राम, मूली पत्ते आपको लेना है 50 ग्राम, और कड़ी पत्ता, मीठे नीम 25 ग्राम, अदरक 25 ग्राम, नारियल 100 ग्राम, मूँगफली दाना 25 ग्राम, और दही आपको लेना है 200 ग्राम, हरी मिर्च, काला नमक, सादा नमक, जीरा भुना कच्चा स्वादानुसार मिलाकर आप मिक्सी में चलाकर या फिर सील पट्टे के ऊपर पीस कर भी आप स्वादिष्ट चटनी को बना सकते हैं, जो कि न अपकवाहार के रूप में अपिति भोजन के साथ भी ले, और ये आपके स्वास्थ्य और स्वाद दोनों आपको प्रदान करेगी। तो आप दोस्तों आप बनाइए और खाइए। थैंक यू सो मच। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।